हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड डेस्टिनेशंस। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग केक बनाने वाले हैं। बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, इसको बोलते हैं केक विद सीक्रेट मैसेज और केक विद हिडन मैसेज। तो नॉर्मली जैसे हम लोग लेयर्स करते हैं केक के, वैसे हमने लेयर्स कर लिए हैं इस केक के। ये फ्लेवर भी थोड़ा अलग है, कॉफ़ी डालगोना पेस्ट बनाया हमने कॉफ़ी का। यहाँ नॉर्मली आप कॉफ़ी को थोड़ा सा बीट करो, जितना आपको कॉफ़ी चाहिए और जितनी आपको चीनी चाहिए उतनी आप डाल के बीट कर लो। अब नॉर्मली सोकिंग करके हम इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। क्रीम लेके इसको स्प्रेड करना है। ये जो केक बनाने वाले हम, ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। आप क्रिसमस में या न्यू ईयर जो पे जो केक बनाने वाले हैं तब बना सकते हैं। तो डालगोना पेस्ट या कॉफ़ी का एक पेस्ट 1-2 चम्मच आप स्प्रेड कर लो। देन सेकेंड लेयर रखो। मीनवाइल आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना है। कैश रिवॉर्ड मिलने वाला है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सेव करेंगे, कमेंट करेंगे। सेकेंड लेयर रख दिया हमने और इसको भी सोकिंग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो रिमेनिंग कॉफ़ी का पेस्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डाल दिया है, चॉकलेट गनाश। तो ये फ्यूजन फ्लेवर हो जाएगा कॉफ़ी विथ चॉकलेट। आप चाहिए तो सिर्फ कॉफ़ी का फ्लेवर आप बना सकते हैं या सिर्फ चॉकलेट का, दैट इज़ अप टू यू। तो फिर से हम लोग क्रीम लगा देंगे। देखिए, लाइक शेयर कमेंट करने से क्या होता है कि इनकरेजमेंट मिलता है कि और वीडियोस बनाओ और आपके साथ ऐसे नए नए आइडियाज़ शेयर करें, तो इसलिए आपको शेयर करना चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो लास्ट लेयर रख दिया हमने और ये सोकिंग कर रहे हैं हम लोग अभी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रीम जो टॉप लेयर पे लगेगा, प्लेट के नीचे और डेकोरेशन पे भी, वो कम लगेगा क्योंकि क्रीम ड्राई हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज़ फार एज़ व्हिपिंग क्रीम इज़ कंसर्न। तो क्या होगा कि नेम प्लेट निकालते समय फटेगा। अब हम लोग साइड की कोटिंग कर लेते हैं जल्दी से, जैसे नॉर्मली करते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है, साइड्स को टिक कर लो। आपको जो ये नेम प्लेट बनानी है, ये पेपर पे लिख के दोनों साइड से टेप लगाना है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको इस तरह से। और एक खाली पेपर को ऐसे दोनों तरफ से टेप लगाना है और उसके ऊपर लगा देना है। ये सेलो टेप लगाया है मैंने दोनों तरफ। बीच में पेपर डालना ज़रूरी है, ये कोई भी इनविटेशन कार्ड का पेपर आप यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा सा हार्ड हो। इससे क्या होगा कि इजीली वो कवर निकल जाएगा। जो मैसेज है उसके आगे पीछे दोनों तरफ सेलो टेप लगाना है और ऊपर जो आपने पेपर लगाया है उसके पीछे और आगे दोनों तरफ सेलो टेप लगाना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और दोनों जो पेपर है वो केक के एक साइड से दूसरे साइड तक एंड तक कवर करना है। ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा पेपर लगा दिया, ट्राई टू कवर एंटायर केक और एक साइड से थोड़ा सा ओपन रखना है ताकि खींचने वालों को थोड़ा सा हाथ में पकड़ में आए। अभी नॉर्मली हम लोग कोई भी डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं और फिर आपका केक रेडी है। ये मैंने नॉर्मल रोजेट्स बना दिए हैं येलो कलर के, थोड़े से स्प्रिंकलर्स डाल देंगे यहाँ पे।
आप चाहिए तो कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो आपको जो आता है, और उसके बाद कस्टमर को एक केक दे सकते हैं। तो ये था हमारा केक विद अ सीक्रेट मैसेज और हिडन मैसेज। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आप कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट करो कौन से सिटी से, और इस तरह से इसको रिमूव करना है, देखिए कैसे रिमूव करना है। और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पेज फॉलो करेंगे, तभी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। केक के बारे में कमेंट करिएगा, आप कहाँ से देख रहे हो वो कमेंट करिएगा, और आप ये आइडिया कौन से वाले केक में अप्लाई करने वाले हो, न्यू ईयर या क्रिसमस या कौन से बर्थडे के। तो आई होप ये केक आप बनाएंगे और पिक्चर्स शेयर करेंगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपके कस्टमर्स को हैप्पी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।